बच्चों बच्चों अगर हम की बात करते हैं, तो का का मतलब क्या? का मतलब क्या? है कि कौन कौन से टाइप के फोर्स वहां पर लग रहे हैं। हम देख रहे हैं सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन में कौन कौन से टाइप के फोर्स लग रहे हैं तो जनरली सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्स हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब टूवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर तो बच्चों पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टाइप्स ऑफ फोर्स इन सर्कुलर मोशन विच इज अंट्रीपिटल फोर्स और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं फिर तो उसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे ठीक है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एक्टिंग एलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एक्टिंग एलोंग द रेडियस टू वर्ड्स द सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स ये तो हो गया डेफिनेशन बच्चों अब इसके बारे में थोड़ा डीप में जानकारी हासिल करते हैं नोट्स लिखने की कोशिश मत करो वीडियो के एंड में नोट्स में भेज दूंगा जैसे कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमने पढ़ा इससे पहले तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में हमने अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन देखा सेंट्रीपिटलेशन विच इज ऑल्सो गेडियल एसेरेशन टेंजेंशियल एसेन ठीक है वहां डी पे नहीं जाना चाहता हूँ टाइप्स ऑफ एसेलरेशन का वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी बात तो बच्चों वहां पर हमने क्या देखा कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन जब परफॉर्म करता है जब कोई पार्टिकल कोल गोल घूमता है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो हमने देखा उसकी वेलासिटी बार बार चेंज होती रहती है बोले सर हमको मालूम है क्यों पका रहे हो ध्यान दो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहता है तो वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहती है देख रहे हैं आप लोग तो वेलोसिटी चेंज हो रही है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही मतलब क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है

क्या बोल रहे थे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ओके तो बच्चों ये एक्सीलरेशन आया क्यों आया सवाल ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ क्यों चेंज हुआ सवाल ये है भाई देखो कोई भी पार्टिकल कोई भी बाइक कार या आपने एक पत्थर ही फेंक दो तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है तो अपने आप चेंज हो जाती है क्या जादू से नहीं ना कोई ना कोई फोर्स अमल करता है तभी वेलोसिटी चेंज होती है तो जब यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जो एक्सेलरेशन आया ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं तो ये एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो हुआ होगा <laughs> ये एक्सेलरेशन किसी ना किसी फोर्स की वजह से तो हुआ होगा तो वो कौन सा फोर्स है तो इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स इसका भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर इसका भी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर तो बच्चों तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया व्हेन द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एक्टिंग रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा ठीक है अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। आपने जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था लास्ट लेक्चर में लास्ट टू लास्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल एलेवन ने भी यह डेरिवेशन परफॉर्म किया है क्या फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर और

जिसका ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है और वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेन का वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर हम ये वाला भी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का दो फॉर्मूला मिला दोनों भी फॉर्मूला लिख सकते हैं तो आपको मिला टल फोर्स विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर और आप ये भी लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ये दोनों भी फॉर्मूला अप्लीकेबल है तो बच्चों एकदम सिंपल डेफिनेशन है वेन द पार्टिकल मूवस एलोंग सर्कम फ्रेंड्स ऑफ द सर्कल एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर एलोंग द रेडियस टू वर्ड्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और हाँ बच्चों एक बात और देखो अपने नॉलेज के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर है टू वर्ड्सेंटर किधर है टू वर्ड्स द सेंटर ठीक है तो हम इसकी साइन को माइनस में भी दिखा सकते हैं हम इसकी साइन को माइनस में भी दिखा सकते हैं और बोले सर ये प्लस में भी लिखे तो गलत नहीं है सेंट्रीपिटल सेंटर डेफिनेटली जो सेंट्रीफ्यूगल होगा अवे फ्रॉम द सेंटर होगा इसको माइनस में दिखाए तो उसको प्लस में दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर अच्छा अगर उसको माइनस में दिखाए तो इसको प्लस में दिखाना पड़ेगा तो इसके लिए इसका कोई इशू नहीं है हम माइनस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं हमारी जो न्यू टेक्स्ट बुक है इसमें माइनस लिखा हुआ है तो आप ये लकीर के फकीर मत में सर आपने तो प्लस बताया वहां तो माइनस लिखा है ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता है इसके लिए मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ अब जो है सेंट्रीपिटल फोर्स आओ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चों अभी आपने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एक्टिंग रेडियली टूवर्ड्स द सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला आया हमको बताओ जरा एम वी स्क्वायर अपॉन आर और क्या आया एम आर ओमेगा स्क्वायर तो ये कब होगा जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा जब भी जब भी सर्कुलर मोशन होगा कोई भी सर्कुलर मोशन तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा तो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इतनी बात की पार्टिकल पर मोशन फोर्स एक्टिंग टूवर्सेंट्रीपिटल फोर्स फोर्स जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा हो, होगा अपने इस बात को अपने दिमाग में रख लो जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अब एक मजे की बात बताऊ सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है ही नहीं कोई फोर्स है ही नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता ही नहीं है इलेवेंथ में हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फोर्स तो टाइप्स ऑफ फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स था क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ग्रेविटेशन फोर्स था स्ट्रॉग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर वहां तो सेंट्रीपिटल फोर्स था ही नहीं तो बोले सर इतनी देर से बगबक बगबक कर रहे हो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा दी और बोलते सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल कोई फोर्स नहीं होता है कोई ना कोई दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है नहीं समझे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होता ही नहीं है कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाता है देखते देखते हैं, देखते हैं कैसे बोले सर कोई ना कोई फोर्स क्या बकवास कर रहे जब से जो है पका रहे हैं और बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है तो ठीक है देखते हैं मान लो आई स्टोन टाइट टू स्ट्रिंग परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एक पत्थर को हमने रस्सी से बांध दिया और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है? टेंशन एक्टिंग ऑन द स्क्रीन टू सेंटर। तो टेंशन इट इज काइंड ऑफ फोर्स टेंशन एक किस्म का फोर्स है और यही टेंशन ये यह जो फोर्स है वो यहां पर क्या बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए

ये ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से अर्थ सेटेलाइट को अपनी तरफ खींच रहा है बोले सर खींच रहा है तो गिरा क्यों नहीं अबे ये अपने वेलोसिटी की वजह से नहीं गिरा लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेटेलाइट पे लग रहा है और सेटेलाइट गिरा इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी में है एक पट जैसे कि मौत के कुएं में बाइक चल रही है, अगर वो स्पीड से चलेगी तो बाइक गिरेगी नहीं अगर एकदम सिलो हो जाएगी तो गिर जाएगी जैसे एक बाल्टी पानी भर लो ठीक है और उसको जोर जोर से अगर आप घुमाओगे तेजी के साथ तो पानी गिरेगा नहीं लेकिन जब स्लो कर दोगे तो पानी गिर जाएगा तो इसीलिए सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लग रहा है लेकिन ये सैटेलाइट गिरी नहीं है क्योंकि ये वेलोसिटी में है जो भी वहां पर वेलोसिटी उसको चाहिए उस वेलोसिटी में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही क्या बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा और एग्जाम्पल देख लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम ड्यू टू ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो यही इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स तब आप समझे कि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का स्पेशली कोई फोर्स नहीं होता यहां पे टेंशन तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कोई ना कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है तो बच्चों ये था सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे ख्याल से अब आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे डेफिनेशन भी दिया मैंने formula ही बताया, उसके example भी बताया दिया फिर से देखो सब जगह फोर्स द सेंटर है तो और सब जगह सर्कुलर मोशन भी जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा तो वहां कौन सा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल जब भी कहीं सर्कुलर मोशन होगा तो वहां कौन सा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल ठीक है तो वेन द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल रेडियली द सेंटर देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूरी बातें देख ली तो बच्चों हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था टूवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ठीक है तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं व्हेन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड द फोर्स एक्टिंग रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर देन दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अडो फोर्स फेक फोर्स अच्छा जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो रियल फोर्स था

इट इज अडो फोर्स फेक फोर्स मतलब कैसा है ये जरा ध्यान देना अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना तो डेफिनेशन तो इजी है व्हेन द पार्टिकल मूव अलाउंग सर्कम सर्कल द फोर्स एक्टिंग रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रिफिकल फोर्स फॉरलो ही वही है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर लेकिन इस फोर्स को समझना जरूरी है आओ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आओ सेंट्रिफिकल फोर्स को डीप में समझते हैं जैसे कि मैंने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ अडो फोर्स पी सीडो ये सीडो पढ़ेंगे, पी साइलेंट है तो इट इज अ इमेजनरी फोर्स इमेजनरी फोर्स नॉट रियल फेक फोर्स दिस ट्रिफिकल फोर्स, जिसको हम सीडो फोर्स बोल रहे हैं इमेजनरी फोर्स बोल रहे हैं इट इज यूज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एसेलरेटेड फ्रेम में यूज होता है ये ठीक है सीडो फोर्स, ध्यान दो ऐसा। दो तरह के रेफरेंस होते हैं इनर्शल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल एंड नॉन इनर्शल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन-इनर्शियल फ्रेम ऑफ़ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां एक्सेलरेशन जीरो है नॉन नॉन-इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इलेवे में हमने स्टडी किया है इलेवन में पढ़ चुके मतलब यहां एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा जैसे एक एग्जाम्पल देने की मैं कोशिश करता हूँ पहले मान लो आप घर में बैठे घर में बैठे हैं घर भी एक जगह है आप भी रेस्ट पोजीशन पे हैं रेस्ट पोजीशन पे हैं मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो आप बस में बैठे हैं ये मूविंग फ्रेम है ठीक है बस में बैठे हैं बस चल रही है तो इसका एक्सलरेशन चेंज होगा बढ़ेगा घटेगा स्पीड के हिसाब से आप भी बस में बैठे हैं तो मतलब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ये तो क्लियर हुआ ठीक है जब आप रेस्ट पोजीशन पर हैं एक जगह बैठे हैं तो किसी किस्म का आपको फोर्स लगेगा महसूस होगा अपने आप आगे पीछे झटका लगेगा आपको नहीं ना लेकिन आप जब आप बस में बैठे हैं जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और बस तेजी से चल रही है स्पीड के साथ जा रही है अचानक बस वाले ने राइट टर्न या लेफ्ट टर्न लिया या जोर से ब्रेक मारा जोर से ब्रेक मारा तो आप आगे की तरफ जाएंगे आगे की तरफ आपको फोर्स महसूस होगा तो जो आपको आगे की तरफ फोर्स महसूस होगा किस वजह से इसी तरह का फोर्स जब सर्कुलर मोशन में महसूस होता है उसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ठीक है तो कहीं कही कही ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कम से कम ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल सीडो तो ये जो हमको आगे की तरफ फोर्स महसूस हो रहा है इसी को हम लोग सीडो फोर्स इमेजनरी फोर्स कहते हैं ठीक है जैसे मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि सर्कुलर मोशन में ये इमेजनरी फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम कहते हैं ये कैसे होता है देखो मान लो कि एक झूले में हम बैठे हैं ठीक है आप एक झूले में बैठे हैं और झूला तेजी से गोल गोल घूम रहा है ठीक है झूला तेजी से गोल गोल घूम रहा है तो बच्चों अगर ये झूला जिसमें आप बैठे हो अच्छे से बैठ पकड़ के बैठते ना ठीक है अच्छा ये मान लो कि अगर आपने झूले को पकड़ा नहीं है तो क्या होगा आप बाहर की तरफ गिर जाओगे मैं नहीं चाहता आप गिर जाओ ठीक है एग्जाम्पल दे रहा हूं अच्छा अगर ये झूला स्लो घूमेगा तो आपके ऊपर फोर्स भी बाहर की तरफ कम लगेगा ये झूला जितनी तेजी से घूमेगा आपको बाहर की तरफ उतना तेजी से फोर्स लगेगा तो ये इमेजनरी फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में जबकि ये झूला सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ठीक है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही जब झूला सिलो घूमेगा तो सेंट्रीपिटल सेंट्रिपिटलेशन की वैल्यू भी कम होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी कम होगी लेकिन ये जितना तेजी से घूमेगा तो जितना होगा, जितना ज्यादा ज्यादा सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल होगा होगा फोर्स उतना ही ज्यादा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी झूले के उस तरफ आपको फोर्स महसूस होगा जितना तेजी से घूमेगा उतनी जोर से पकड़ के बैठना पड़ेगा कहीं गिर ना जाए फिसल ना जाए ठीक है तो

तो उतना ही ज्यादा आपको उस तरफ भी एक्सेलरेशन मिलेगा ठीक है तो जैसे कि आपको इसका फॉर्मूला मालूम था एक्सेलरेशन का, क्या फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर और आर ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर ठीक है तो ये आपको मिल गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अगर ये वैल्यू हम पुट करने करेंगे तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स विच इज इक्वल टू एम और सेंट एक्सेलरेशन की जगह हमने पुट कर दिया आर ओमेगा स्क्वायर तो फिर से मिल गया आपको एम आर ओमेगा स्क्वायर तो बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था अगर मैं सेंट्री पिटल को प्लस में लूँगा तो फिर सेंट्री फ्यूगल अपोजिट डायरेक्शन में फिर उसको माइनस लेना पड़ेगा ठीक है तब ये सब फिर माइनस में हो जाएगा अगर मैं सेंट्रीपिटल को इसको अगर माइनस में लेता हूं तब ये सब फोर्स जो है प्लस में हो जाएगा तो इस बात को ध्यान मेरे ख्याल से अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये किस तरह से एक इमेजनरी फोर्स है कैसे हम इसको महसूस करते हैं तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंट्री फोर्स का वन अ कार इज इन मोशन टेक्स अ टर्न ठीक है या ब्रेक ले अचानक ये एग्जाम्पल तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है कौन सा uh, है सेंट्रीफिकल फोर्स ऑफ वाटर एंड परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो उसमें आप तेजी से बाल्टी घुमाओगे तो वाटर नॉट फॉल बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड चिल्ड्रन सिटिंग इन मेरी गो राउंड एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड अनादर एग्जाम्पल स्पिन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन केमिस्ट्री में लैब में बच्चे सेंट्रीफ्यूज करते हैं सोल्यूशन को इट इज़ ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफिगल फोर्स तो बच्चों अभी हमने सेंट्रीफिगल फोर्स बताया आपको किया, एग्जाम्पल भी दिया डेफिनेशन भी बताया सेंट्रिफिगल फोर्स समझाने की कोशिश किया ठीक है तो डेफिनेशन तो एकदम क्लियर सिंपल है वेन द पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिफिगल फोर्स आओ अब कुछ बातें मैं करता हूँ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ ज़्यादा ध्यान देना जो फोर्स है ये रियल फोर्स है कि इमेजनरी फोर्स है इमेजनरी फोर्स ठीक है यूज होगा कि एसेलरेटेड फ्रेम में इट इज यूज इन दसेलेटेड फ्रेम ओके इनर्शियल फ्रेम में यूज होगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज होगा इट इज यूज इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी जब हम रोटेटिंग फ्रेम में होंगे या ऑब्जेक्ट रोटेटिंग फ्रेम में होगा तभी उसके ऊपर क्या लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जैसे कि अभी हमने झूले का एग्जाम्पल दिया अगर आप झूले के बाहर खड़े हो और ऑब्जर्व कर रहे हो ऑब्जर्वर बन के सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो तब तो आप बोलेंगे भाई झूला गोल गोल घूम रहा है मतलब वहाँ सेंट्रिपिटल फोर्स होगा तब आपके लिए वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स है लेकिन जब आप खुद इस झूले में बैठ जाओगे ठीक है और जब झूला तेजी से घूमेगा तो आपको जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा सेंटर से अवे जो फोर्स लगेगा जिसकी वजह से आप झूले को तेजी से पकड़ के बैठते हो तब हम आपको लगेगा नहीं यहाँ पर फोर्स उस वक्त जो फोर्स महसूस करोगे वो क्या होगा सेंट्रिफिकल फोर्स तो इसका मतलब एक अहम बात एक खास बात जो आपको एकदम पंच लाइन की तरह यूज़ कर लेना है जो आपको आगे के डेरीवेशनस में यूज़ भी होगा कि सेंट्रिफिकल फोर्स यूज इन एसेलरेटेड फ्रेम एक्सेलेटेड फ्रेम में यूज होता है यूज इन अ रोटेटिंग फ्रेम वेन ऑब्जेक्ट इज इन द रोटेटिंग फ्रेम ठीक है जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा मतलब इट इज यूज इन द नॉन इनर्शल फ्रेम सबसे अहम बात जो थी बताने की वो यही थी सेंट्री फिगल फोर्स की ठीक है इस बात को समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम ईजी हो जाएंगे बहुत से डेरिवेशन को समझने में भी आसानी होगा कि सेंट्रीफिगल फोर्स यूज इन एक्सलेटेड फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम और नॉन फ्रेम तो ये था सारी बात बच्चों सेंट्रीफिगल फोर्स के बारे में ओके okay? बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट में मैरी गो राउंड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ उसके बारे में दिया हुआ है और उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें लिखी हुई है और एक इक्वेशन भी वहाँ पर लिखा हुआ है तो उस इक्वेशन को भी मैं आपको समझा देता हूँ जरा आप ध्यान देना सिंपल सी बात है लगभग आपको सारी बातें मालूम पड़ चुकी हैं ठीक है जैसा कि आप जानते हैं बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स है रियल की इमेजनरी रियल फोर्स रियल फोर्सेस या बोलो सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल तो रियल है ना अच्छा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा फोर्स है इमेजनरी फोर्स इमेजनरी आप बोल सकते हैं सीडो फोर्स ठीक है ये बात भी आपको पता है ये भी आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों फोर्स की वैल्यू बराबर भी है यह भी बात आप जानते हैं ठीक है दोनों फोर्स बराबर है बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना अगर एक सेंटर की तरफ है तो दूसरा अवे फ्रॉम सेंटर है अगर मैं सेंट्रीपिटल को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो सेंट्री फिगल क्या लूंगा नेगेटिव अगर इसको नेगेटिव तो इसको पॉजिटिव चलो मैं एक काम करता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स को पॉजिटिव और सेंट्री फिगल फोर्स को नेगेटिव मान लेता हूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स सम ऑफ ऑल द रियल फोर्सेस सम ऑफ रियल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू मैं रख देता हूं जो वैल्यू हमको मिला है ठीक है एम आर ओमेगा स्क्वायर जबकि दोनों साथ में ना दोनों का वैल्यू इक्वल है अब इसको इस तरफ ले आओ तो एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस सम ऑफ रियल फोर्सेस व्हिच इज इक्वल टू जीरो सिंपल सी बात है लेकिन डायरेक्ट दी हुई है तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे टेंशन में आएंगे अरे ये कैसे आया ठीक है तो इसी कांसेप्ट की बुनियाद पर ये इक्वेशन भी यहाँ पर आया है तो बच्चों ये था टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप लेक्चर को देखेंगे समझेंगे तो ज़रूर आप मैसेज में जो है कमेंट ज़रूर करेंगे कि कैसा लगा लेक्चर आपको और मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है गुड बाय खुदा हाफिज़